छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और दुर्ग ग्रामीण के कांग्रेस के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कहीं कोई टारगेट किलिंग नहीं हो रही, ना ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी का कांग्रेस के दुर्ग को भेजना नामुमकिन है। मंत्री ताम्रध्वज साहू से हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने खास बातचीत की, आप भी सुने। हमारे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू यहाँ मौजूद हैं, दुर्ग कलेक्ट्रेट में आए हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर नामांकन दाखिल करने वाले हैं और उसकी इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। क्या पूरे दुर्ग में क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि कांग्रेस के गढ़ को भेदने की तैयारी में वो लगी हुई है और उनको दिख भी रहा है कि किला भेदा जा रहा है। कहीं पर दिख नहीं रहा है, उनको जो कह रहे हैं वो अपने भेदने की तैयारी, उसमें कभी सफल नहीं होंगे। दुर्ग में जो एक सीट वैशाली नगर भर पिछले बार वो ले पाए थे, बाकी सारी सीटें हमारे कब्जे में थीं और इस बार हम सारी सीटें वैशाली नगर समेत कांग्रेस के कब्जे में लेंगे। भाजपा टारगेट किलिंग का मुद्दा उठा रही है, बोल रही है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, नक्सलवाद के नाम पर उनकी हत्या की जा रही है, जुर्म दर्ज किया जा रहा है। 58 शिकायत कर चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कुल मिला के आपके विभाग की ओर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। कहीं पर कोई टारगेट किलिंग की बात नहीं है, हम तो विधानसभा में भी वो बात उठाए थे तो वहाँ भी हम लोगों ने कहा कि कहाँ टारगेट किलिंग हुआ है बताओ तो सही, तो हम लोग उसको जांच कराएं। ये थे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक सपना है कि दुर्ग में कांग्रेस के गढ़ को वो भेद देंगे, वो होता नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ये आरोप लगा रही है कि टारगेट किलिंग की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, वो भी उनका मिथ्या आरोप है। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC24 रायपुर।